विधानसभा चुनाव करीब आते ही महाराष्ट्र में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। सत्ताधारी महायुति गठबंधन के बड़े नेता पूरी तरीके से सक्रिय हो गए। इस क्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार समेत कई शीर्ष नेताओं ने नागपुर में बैठक की। इस मैराथन मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग पर चर्चा की गई। ये बैठक नागपुर में रामनगरी स्थित मुख्यमंत्री के अधिकारी का आवास पर शनिवार शाम करीब 8 बजे शुरू हुई। इसके बाद ये देर रात 1:30 बजे तक चलती रही। इस दौरान गहन मंथन के बाद तीनों सत्ताधारी दलों में सीट शेयरिंग के बेसिक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को कहा है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत अगले 10 दिनों तक चलती रहेगी। उन्हें बताया है, हमने तय किया है कि उम्मीदवारों के जीतने की संभावनाओं के आधार पर सीटें बांटी जाएंगी। वहीं एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि बीजेपी विधानसभा की 288 सीटों में से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 60 से 70 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा एनसीपी को 50 सीटें मिलने के चांसेस हैं। हालांकि अजीत पवार का दावा 60 सीटों के लिए है। इसके अलावा कुछ सीटें छोटे सहयोगी जैसे बच्चू कादू की प्रहार जनशक्ति पार्टी को दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक महायुति गठबंधन के साथियों के बीच 2-3 दौर की बात के बाद सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आखिरी मोहर लग सकती है। गौरतलब है कि शनिवार को नागपुर में एक रैली के दौरान अजीत पवार ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जताई थी। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा है कि हमने 219 विधानसभा चुनाव में से 54 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार हमें 60 सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम इस बात पर सहमत है कि वह सीटों के लिए बहुत ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करेंगे, इसके बजाय एकजुट होकर यहां पर अगला चुनाव जीतने पर ध्यान लगाएंगे। सूत्रों के मुताबिक तीनों शीर्ष नेता ये बात समझते हैं कि अगर उनकी एकता में दरार आई तो विपक्ष को फायदा मिल जाएगा। वह विपक्ष को कोई हथियार नहीं देना चाहते और साथ मिलकर यहां पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपनी एकजुटता दिखाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि ऐसी कोई भी टिप्पणी ना करें जिससे गठबंधन के साथियों को दुख पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।